नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। डीडी टुडे संभल से मेहराजुल हुसैन के साथ संभल से एक्टर लवली कुमार की खास बातचीत। इनका नाम लवली कुमार है और ये संभल के ढेर मोहल्ला के रहने वाले हैं। इन्हें बचपन से ही फिल्म जगत के प्रति लगाव रहा है और इनका कहना है कि जब भी किसी फिल्म जगत से जुड़े व्यक्ति पर कोई परेशानी होती है तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि फिल्म जगत के किसी भी व्यक्ति पर ईश्वर कोई परेशानी ना डाले। और ये कहते हैं कि अगर फिल्म जगत ने मेरे ऊपर तनिक भी ध्यान दिया तो एक ना एक दिन मैं भी फिल्म जगत में किसी ना किसी पर्दे पर काम कर पाऊंगा। मेरा सपना बचपन से ही है और बचपन से ही मैं इस सपने को साकार करने में लगा हुआ हूँ। ईश्वर ने चाहा तो एक ना एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और ये कहते हुए अपने दर्शकों को लुभाने के लिए इन्होंने कुछ गाया और कुछ फिल्मी डायलॉग्स भी बोलकर अपने दर्शकों को लुभाने का काम भी किया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी और किसी की नहीं हो सकती। अगर हमारे प्यार के बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया। तातिया, ये एक मजदूर का हाथ है, ये लोहे को पिलगाकर उसका आकार बदल देता है। ये खून पसीने की कमाई हुई रोटी की ताकत है। कातिया, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने का शौक नहीं। तू चाहता है कि मैं तेरे घर का कुत्ता बनकर रहूं, तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं। हे कातिया, अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। कितने भाई हैं? हम तीन भाई हैं। तो आप में कितना प्रेम है आज भी तीनों भाइयों में? हम में तीनों भाइयों में बहुत प्रेम है, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसके आपस में प्रेम करते हैं कोई ऐसा। इसके ऊपर जो कुछ अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, सुना जाए। चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई मैं अक्सर ये होता है, भाई भाई मैं अक्सर ये होता है। यहाँ पे ऐसा भजन सुनाएंगे जी जिससे आप अपने दर्शकों को लुभा सकें? ये देवी माता का भजन है जो मुझे यहाँ आपको सुनाना चाहूँगा जी। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। तो ये जो आपको बॉलीवुड के प्रति एक्टिंग और इस तरह से आपका जो संगीत है, ये इसके प्रति आपका लगाव कब से बढ़ा? ये मेरा लगाव जो है बचपन से ही है, मेरा ये शौक रहा है बचपन से ही, जो ये मेरा शौक है काफ़ी समय से है और मैं एक्टिंग भी करता आया हूँ। और ये जो सॉन्ग है वगैरह गीत जो है भजन वगैरह ये भी मैं गाता हूँ, ये मेरा बचपन का ही शौक है। संभल से भूपेंद्र सिंह कैमरामैन के साथ मेहराजुल हुसैन की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ।